साथ के भीड़ बेहिसाब और इंतजाम कितने हैं साहब। जी हां, न्यूज 18 ये सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जिस तरह से मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हालात बने, भगदड़ मची, वैसे हालात त्योहारी सीजन में कहीं भी हो सकते हैं। त्योहार में देश भर के जो रेलवे स्टेशन है, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं स्टेशन की स्थितियां, त्योहार में देश भर के रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ जाती है। भगदड़ के जिस तरह के सीसीटीवी में हालात नजर आए, सामने आए, उसे देखकर ऐसा लगता है कि देश के जो दूसरे स्टेशन है वहां पर भी ऐसा वाकया हो सकता है, कोई भी मुसाफिर इसका शिकार हो सकता है। ऐसे हादसों से बचने के लिए रेलवे प्रशासन ने कैसी तैयारी की है, यह सवाल लाजमी हो जाता है। 3 तस्वीरें 27 अक्टूबर 2024 बांद्रा टर्मिनस पर किस तरह से भगदड़ की स्थिति, लोग घायलों को कैसे लेकर जा रहे, इस भगदड़ का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसने बताया कि किस हद तक यह भीड़ भयंकर हो सकती है, वो भी तब जबकि रेलवे स्टेशन पर हो। तो मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना के बाद दिल्ली के जो रेलवे स्टेशन है वो अलर्ट मोड पर रख दिए गए। दीपावली और छठ पूजा को लेकर दिल्ली के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। भीड़ से निपटने के लिए खास इंतजाम का दावा किया गया है। रेलवे स्टेशन के अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बार उत्तर रेलवे की तरफ से 3000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इसके अलावा और अगर डिमांड आती है, इस तरह की डिमांड आती है, तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मुंबई में भगदड़ की खबरों के बीच मैं आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रेलवे की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है वो आपको दिखाता हूं कि एक व्यवस्थित रूप से कैसे यात्रियों को रेलवे के अंदर जो ट्रेन है उनके अंदर उनको भेजा जा रहा है, किस तरीके से आरपीएफ के जवान जो हैं वो एक एक करके यात्रियों को अंदर भेज रहे हैं। ये देखिए, अलग अलग जो है यहाँ पे कॉलम बनाया गया था, अलग अलग जो यहाँ पे लोहे के स्टील द्वारा जो है वो बैरिकेड कर दी गई थी। बैरिकेडिंग के बाद जो है एक एक जो यात्री हैं वो आ रहे हैं, उन्हें आरपीएफ के जवान और जो रेलवे कर्मचारी हैं वो अनाउंसमेंट करके उन्हें व्यवस्थित रूप से प्लेटफॉर्म के अंदर भेज रहे हैं। यात्री अंदर बैठे हुए हैं, सबके लिए सीट की व्यवस्था की गई है। देखिए, कहीं कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कहीं कोई जो है भगदड़ नहीं है, आराम से यात्री अंदर जा रहे हैं। आरपीएफ के जवान उन्हें सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि कैसे अंदर जाना है, आराम से जाना है और आराम से उन्हें ट्रेन में बैठना है। देखिए, यहाँ भी आराम से, यहाँ भी कोई भगदड़ नहीं है, यहाँ भी कोई भीड़ भाड़ नहीं है, यात्रियों के भागने की जरूरत नहीं है। आराम से रेलवे के कर्मचारी और आरपीएफ के जवान जो हैं वो उन्हें दिखा रहे हैं। तो ये मैंने आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 16 का हाल दिखाया। ये ट्रेन जो है ये बरौनी, बेगूसराय में जो बरौनी है वहाँ पे जाएगी, क्योंकि छठ का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, तो इस वजह से जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं। और यहाँ पे हालांकि इस पर खास व्यवस्था रेलवे की ओर से की गई है, कोई भगदड़ नहीं, कोई हलचल नहीं, आराम से यात्री आ रहे हैं और यहाँ पे ट्रेन में बैठ रहे हैं। तो मेरे पीछे लगातार ये तस्वीरें आप देखते रहेंगे, इन्हीं तस्वीरों से उपजा है ये सवाल जिसको लेकर की गई है ये पड़ताल, किस तरह की स्थितियां वहां पर जो भगदड़ मची, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उससे कितना सीखे, आप जो जाने वाले हैं, मुसाफिर जो यात्रा करने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका सामना मौत से करवा दिया जाए लापरवाही के चलते। दीपावली से पहले रेलवे स्टेशन इंदौर के रेलवे स्टेशन, वहां भी भारी भीड़ है, त्योहार में हर कोई घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच रहा है, इंदौर की क्या हालत है? तो त्योहार में घर जाने के लिए भीड़ रहती है, और बांद्रा में जिस तरह का हादसा हुआ उससे सबक कितना लिया गया, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। आप मंजिल पर जाने के लिए निकले हैं, कहीं वो मंजिल अस्पताल में तो तब्दील नहीं हो गई है, इसी की पड़ताल न्यूज 18 ने की। ये इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से भारी भीड़ है, भयंकर भीड़ है, और ये भीड़ बेकाबू हो जाती है ट्रेन में,
ट्रेन आने के दौरान, और यही बनता है, यही बनती है हादसे की वजह। इंदौर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें, त्योहार में लोगों का आना जाना वो ज्यादा हो जाता है। और दरअसल ये सवाल इसलिए उठा, जिस तरह का घटनाक्रम मुंबई में सामने आया, वैसी स्थितियां और उस तरह के स्थितियों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम। हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि वो रेलवे स्टेशन पर अगर पहुंच रहे हैं तो क्या उन्हें नजर आ रहा है, कोई सबक लिया गया उस हादसे से, या फिर स्थितियां जस की तस हैं। सीधा आपको इंदौर लिए चलेंगे, सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा भोपाल से शिवकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत, पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या इंतजाम स्टेशन पर नजर आते हैं, क्या भगदड़ से कोई सबक लिया गया ऐसा महसूस होता है? शिवकांत ललित जी, आपने सही बताया, त्योहारों के सीजन पर भीड़ अक्सर बढ़ जाती है, रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे एयरपोर्ट हो, और उसी के चलते भारतीय रेलवे ने एक निर्णय लिया है, भोपाल से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में जो त्योहार के सीजन पे है, दिवाली से लेकर छठ तक 7 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनका स्टॉपेज भोपाल रहेगा, जिससे बहुत हद तक राहत मिल जाएगी यात्रियों को। और जो खासतौर से मुंबई के यात्री हैं या बिहार झारखंड के हैं, उनको राहत मिलेगी, जो भोपाल में रहने वाले हैं या मध्य प्रदेश में रह रहे हैं और अपने घर जाना है जिनको, उनसे काफी राहत मिलेगी। अभी हम रेलवे स्टेशन पर ही हैं, भीड़ भाड़ है, यात्री छुट्टियां आज से लगभग शुरू हो गई हैं लग रही हैं और घर जाने के लिए तैयार है, लेकिन वैसी भीड़ नहीं दिख रही, क्योंकि या तो यात्रियों ने अवेयर हो गए हैं, रिजर्वेशन करा लिया है, या फिर ट्रेनों की जानकारी मिलने के बाद वो इस चीज से अच्छे खासे वाकिफ हैं कि उनको सीट मिल ही जाएगी। बल्कि हम कुछ यात्रियों से बात भी करने की कोशिश कर लेते हैं। मैडम, आप दिवाली की छुट्टी पे जा रहे हैं क्या? क्या बोले आप? दिवाली की छुट्टी पे जा रहे हैं क्या घर? हाँ, दिवाली की छुट्टी पे। रिजर्वेशन हो गया आपको? हाँ, हो गया रिजर्वेशन, हो गया। कितने दिन पहले कराया था? नहीं, मैंने तत्काल किया है कल ही। अच्छा, देखिए ललित, कितना बढ़िया रहा, इन्होंने तत्काल में कराया, उसके बाद इनको सीट कंफर्म मिल गई है और स्टेशन पे खड़े हुए हैं बगैर भीड़ के, क्योंकि रेलवे ने इनके लिए सुविधा दे दी थी कि अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं। दूसरा फायदा ये मिल गया कि ज्यादा ट्रेन की टिकट की मारामारी नहीं मची, जस्ट एक ट्रेन अभी आके खड़ी हुई है, शताब्दी एक्सप्रेस, उसमें से भी यात्री गुजर रहे हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए दिवाली की खासतौर से घर आए हुए हैं, पहुंचे हुए अपने, और कुछ लोग यहाँ से भी जा रहे हैं, तो ये इंतजाम तो मध्य प्रदेश में फिलहाल देखने को मिल रहा है। कुछ और यात्री भी हैं, उनसे भी हम पूछ के देख लेते हैं। आखिरकार सर, आप दिवाली की छुट्टी पे जा रहे हैं क्या घर? नहीं, दिवाली की छुट्टी पे तो मुंबई मनाएंगे। मुंबई में मनाएंगे? हाँ। तो रिजर्वेशन वगैरह आपको मिल गया? हाँ, मिल गया, मिल गया। कब कराया था आप? आज ही सुबह कन्फर्म मिल गया। ललित, बहुत खुशी की बात है, कम से कम मध्य प्रदेश में तो लोगों को ये समस्या नहीं आई है, और कल ही रिजर्वेशन कराया, उनको कंफर्म मिल ठीक, गया। ठीक 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 ठीक, वाकई इस तरह की स्थितियां हैं। हालांकि मुंबई की तस्वीरों को जब याद करते हैं तो वही बात है, घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। मिथिलेश के पास लिए चलेंगे इंदौर। मिथिलेश, क्या नजर आता है, क्या स्टेशन पर कोई सबक लिया गया, किसी सुविधा में इजाफा किया गया या व्यवस्थाओं को बदला गया ताकि भीड़ भगदड़ की तरफ ना जाए? मिथिलेश, देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो महज 15 से 20 मिनट पहले ही राजेंद्र नगर पटना एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई है। उसकी तस्वीर भी अभी दर्शकों ने देखा है कि राजेंद्र नगर पटना स्टेशन पर जाने के लिए यात्रियों की कितनी किस कदर भीड़ थी, क्या हाल था। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त इंदौर के जनसंपर्क अधिकारी हैं। सर, जिस तरीके से मुंबई हुआ, भगदड़ से बचाने के लिए यहाँ पर एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र नगर पटना एक्सप्रेस में कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो तस्वीर नजर आई, बेकाबू भीड़ नजर आई। देखिए, वो क्या है कि जनरल बोगी की भीड़ थी अभी, तो हम लोगों ने क्या है कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए रतलाम मंडल में कंट्रोल वॉर रूम भी कर रखा है इससे, और दूसरा जो RPF और GRPF जो है वो भी अतिरिक्त बलें तैनात कर रखा है, और फ्रंटलाइन स्टाफ को भी अलर्ट कर रखा है। हाल में ही जो
ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये अनरिजर्व कोचेज की हैं, तो ये क्या है, ट्रेन अभी उसी टाइम में मूव कर रही थी, एंटर कर रही थी, इसी की तस्वीरें हैं। इसके बाद में पूरी तरह सेटल करके और पूरा क्राउड मैनेजमेंट करके सारे जो हैं पैसेंजरों को बैठा के अभी रवाना किया गया है। रस्सियों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें क्राउड मैनेजमेंट के अंदर होती है, तो जीआरपीएफ वल और आरपीएफ ने पूरी तरह से जो एक बैरिकेड का यूज करते हैं रस्सियों को बांध के, और इसके अलावा जो है पूरी तरह से दूसरे फ्रंटलाइन स्टाफ भी हमारे अलर्ट हैं ताकि इस तरह का कोई वाकया ना हो। सबसे ज़्यादा किस रूट पर भीड़ है? देखिए मेजर जो है कि यूपी बिहार नॉर्थ के जाने वाली ट्रेनों में ज़्यादा भीड़ है, स्पेशली पटना ट्रेन में, और दूसरे इसके लिए स्पेशल ट्रेन भी हम लोग है। इसके अलावा पुणे और वैष्णो देवी और उसी जगह हम लोगों ने ठीक। चलिए मिथिलेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा, वक्त की थोड़ी कमी भी है। बहुत धन्यवाद, पीआरओ से मिथिलेश बात कर रहे थे, पीआरओ साहब का भी बहुत धन्यवाद, शिवकांत आपका भी धन्यवाद, जो आपने इस तरह के हालात बताए कि स्टेशन पर दरअसल स्थितियां क्या हैं।